सभी दोस्तों को सलाम नमस्कार और एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टडी 11 में बिहार स्पेशल ऑन करंट अफेयर्स 9 जुलाई 2021 के साथ बिहार पंचायती राज व्यवस्था एवं निर्वाचन 2021 एक नजर एक्सक्लूसिवली फॉर 67 बीपीएससी एएसआई सीडीपीओ अदर एग्जाम्स अंडर बिहार गवर्नमेंट प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम फॉर फर्दर डिटेल्स ऑफ माई चैनल एंड फॉर योर पीडीएफ। आते हैं हम लोग बिना किसी देरी के पंचायती राज व्यवस्था पर कुछ बातें कर लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 में किए गए प्रावधानों के अनुसरण में बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया है, जिसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद की स्थापना का प्रावधान है। वर्तमान में राज्य में 8,387 ग्राम पंचायतें, 534 ग्राम पंचायत समितियां और 38 जिला परिषद कार्यरत हैं। वार्डों की संख्या लगभग 1,15,000 है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम कचहरी भी स्थापित की गई है, जिसे कुछ आपराधिक और कुछ नागरिक विवादों के बीच सौहार्दपूर्ण समाधान ध्यान रखा जाएगा, ये सौहार्दपूर्ण समाधान करने का अधिकार मिला हुआ है। निर्धारित प्रक्रियाओं के माध्यम से मामले का निर्णय करने के बाद दोषी पाए जाने वाले पक्ष को 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाने का भी अधिकार है पंचायत के ग्राम कचहरी के सरपंच को। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अनुसूचित जाति यानी कि रिजर्वेशन की बात करें। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के सदस्यों को त्रिस्तरीय पंचायतों और ग्राम कचहरी के सदस्यों और अध्यक्षों की सीटों पर आरक्षण प्रदान करने के अलावा, यानी कि वो सारे सीट पर जो आरक्षण होंगे वो वर्टिकल आरक्षण होंगे यानी ऊर्ध्वाधर इसको कहते हैं, और उसके बाद आरक्षित और सामान्य दोनों श्रेणियों में महिलाओं को 50% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया गया है। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ये दो आरक्षण आपको मैं बता रहा हूं कि दो आरक्षण क्या क्या है। वर्टिकल रिजर्वेशन दैट इज ऊर्ध्वाधर आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के आरक्षण को संदर्भित करता है। यह कानून के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक समूहों के लिए अलग से लागू होता है। उदाहरणतः 16(4) आर्टिकल जो है उसमें वर्टिकल रिजर्वेशन की परिकल्पना की गई है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के तहत यानी ऊर्ध्वाधर श्रेणियों से एक विशेष वर्ग जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, ट्रांसजेंडर समुदाय और विकलांग व्यक्तियों आदि को निकालकर आरक्षण दिया जाता है, इसे ही कहते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और ये आर्टिकल 15(3) में इसकी परिकल्पना की गई है। नेक्स्ट देखते हैं जमीनी स्तर पर विकेंद्रीकरण लाने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम सभा के प्रावधान के साथ वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में प्रत्येक वार्ड स्तर पर वार्ड सभा का गठन किया गया है। वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से ग्राम पंचायत द्वारा वार्ड को सौंपे गए सार्वजनिक महत्व की कई महत्वपूर्ण योजनाओं को वार्ड सभा लागू करती है, जैसे मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनाओं का क्रियान्वयन आदि। यानी कि वार्ड स्तर पर वार्ड सभा और जो समिति काम करती है वार्ड स्तर पर उसका नाम है वार्ड कार्यान्वयन एवं प्रबंधन समिति। योजनाओं की गुणात्मक क्रियान्वयन पर कड़ी नजर रखने के लिए वार्ड पंचायत को उचित परामर्श देने के लिए प्रत्येक वार्ड पर सतर्कता समितियों का गठन भी किया गया है। विभिन्न स्तरों पर पंचायतों को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण कार्यों और कर्तव्यों को पूरा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ध्यान रहे 73वां संशोधन, 11वीं अनुसूची,
और 26 विषय यानी जो सब्जेक्ट्स हैं 29 के संबंध में यह है पंचायती राज। पंचायती राज विभाग बिहार सरकार समय समय पर पंचायतों को मानव संचालन प्रक्रिया के संबंध में परामर्श और आवश्यक निर्देश जारी करती है। राज्य सरकार को अधिनियम के प्रावधानों और सरकार के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करने वाली पंचायत को भंग करने का अधिकार मिला है। किसको मिला है? राज्य सरकार को मिला है, किसी और को नहीं। पंचायत को भंग करने का, सरकार किसी पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा सकती है सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद, अपने पद से अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने का दोषी पाए जाने पर। साथ ही पंचायती राज विभाग ये सुनिश्चित करता है कि पंचायतों को सौंपी गई शक्तियों का दुरुपयोग न हो और वे गांव के समग्र विकास में भागीदार बने। विकास के उद्देश्य से केंद्र और राज्य सरकारों से प्राप्त निधियों के समुचित हस्तांतरण के अलावा पंचायती राज विभाग पंचायतों के लेखाओं के नियमित रख रखाव एवं उनकी लेखा परीक्षा तथा लेखा परीक्षा आपत्तियों के उचित निस्तारण पर कड़ी नजर रखता है। कौन रखता है? पंचायती राज विभाग ऑडिट की जिम्मेवारी और ऑडिट जो ऑडिट में जो उसमें फीडबैक मिलते हैं, जो आपत्तियां मिलती हैं, उन आपत्तियों का उचित निस्तारण किया जाए, ये पंचायती राज विभाग इसको क्लियर करते हैं, इसको देखते हैं। कह लीजिए विजन, विजन क्या है सरकार का? बिहार सरकार विकेंद्रीकरण की अपनी दृष्टि के हिस्से के रूप में पंचायतों को ऐसी शक्तियां और अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है जो उन्हें स्थानीय स्वशासन की जीवंत इकाइयों के रूप में कार्य करने और सशक्त समावेशी पारदर्शी और जवाबदेह संस्थाओं के रूप में विकसित करने या स्थापित कर सके, ऐसा विजन है बिहार सरकार का। नेक्स्ट आते हैं पंचायत निर्वाचन 2021 अपडेट। आपको मालूम है 2016 में पिछली बार इलेक्शन हुआ था और 15 जून को वो भंग कर दिया गया। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 15 जून 2021 को भंग कर दिया गया। जिले में 10 चरण में पंचायत चुनाव कराया जाएगा। दूसरे राज्य से प्राप्त ईवीएम को एफएनसी के बाद उपयोग में लाया जाएगा। एफएनसी क्या होता है? फर्स्ट लेवल चेकिंग, यानी जो ईवीएम हम बाहर से लेकर के आएंगे मजिस्ट्रेट की निगरानी में टेक्निकल पदाधिकारियों के साथ या उनके द्वारा उनकी चेकिंग की जाएगी, फर्स्ट लेवल चेकिंग, और जो जो ईवीएम सही पाए जाएंगे उनका उपयोग किया जाएगा, जिनके जो त्रुटियों का निवारण और निराकरण हो सके उन ईवीएम मशीन को सुधार करके तब उनका उपयोग में लाया जाएगा। 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र का गठन किया गया। 850, ये भी आंकड़ा आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। अब आइए मुखिया के पद के लिए 36 सिंबल्स, ये भी ध्यान में रखें, मुखिया के पद के लिए 36 सिंबल्स, मोतियों की माला, ढोलक, कलम और दवात, टेम्पू, पुल, बैगन, ब्रश, चिमनी, कैमरा, मोमबत्तियां, काठगाड़ी, ब्लैक बोर्ड, गाजर, बाल्टी, मोर, हसिया, जग, केतली, कुआं, सेब, डीजल पंप, टॉफी, छड़ी, मोबाइल, सीटी, चूड़ियां, टोकरी, जंजीर, टेलीविजन, ऊंट, किताब, तोता, वायुयान, उगता हुआ सूरज, खजूर का पेड़ व पपीता। जिला परिषद के लिए 20, मुखिया के लिए 36 और जिला परिषद के लिए 20। पतंग, लेडी पर्स, लेटर बॉक्स, ताला और चाबी, मक्का, प्रेशर कुकर, रेल का इंजन, आड़ी, अंगूर का गुच्छा, सिलाई की मशीन, स्लेट, मछली, वैन, मेज, टेबल, लैंप, गैस का चूल्हा, कांच का ग्लास, हारमोनियम, टोप तथा जलता हुआ दिया। ये हो गया जिला परिषद के लिए 20 सिंबल, पंचायत समिति पद के लिए 10 सिंबल, नारियल, चारपाई, कप और प्लेट, कंघा, बरगद का पेड़, डोली, फ्रॉक, कुदाल, गैस सिलेंडर व जीप। पंच पद के लिए
गुड़िया, चापाकल, कुर्सी, टॉर्च, ट्रैक्टर, सीढ़ी, तराजू, डमरू, कबूतर व बल्ला। सरपंच पद के लिए 21, स्टोव, मोटरसाइकिल, नल, बल्ब, चौका बेलन, जोड़ा बेल, जोड़ा बैल, स्टूल, बगुला, लड्डू, हल, टमटम, बांसुरी, टाइपराइटर, माचिस, छाता, भोजन की थाली, खल वसूल, पानी का जहाज, ट्रक, चरखा व खुरपी। कभी कभी इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये सिंबल किस में यूज किया गया है। एक बात ध्यान में रखेंगे कि सभी जो 6 पद हैं, सभी पदों के जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग हैं, किसी भी पद का सिंबल किसी पद से नहीं मिलता है। अब आइए, कोरोना गाइडलाइन क्या है। मतदान केंद्रों पर वोटरों व ड्यूटी में लगे कर्मियों को मास्क पहनने की अनिवार्यता होगी, लापरवाही पर जुर्माने का भी प्रावधान है। मतदान केंद्र पर बिना मास्क के अगर कोई मतदाता वोट देने के लिए आता है तो उन्हें तत्काल ₹50 का जुर्माना भरना पड़ेगा। आयोग की तरफ से मतदान केंद्रों पर मास्क के इंतजाम भी किए जाएंगे। चुनाव के दौरान हर केंद्रों पर मतदाताओं के शारीरिक तापमान की भी जांच कराई जाएगी और जिनके शरीर का तापमान मानक से अधिक पाया जाएगा उन्हें अंत समय में वोट डालने का मौका मिलेगा। उनके लिए सभी प्रशासनिक पदाधिकारियों को 1 से लेकर 100 तक पूर्व मुद्रित टोकन दिए जाएंगे। पंचायत चुनाव में लगाए गए कर्मियों को मास्क व फेस शील्ड का लगाना अनिवार्य होगा। जिला एवं प्रखंड स्तर पर मेडिकल टीम का गठन होगा। मतदान दल एवं सुरक्षा बलों के लिए पर्याप्त वाहन रखे जाएंगे। COVID-19 से सतर्क रहने के लिए पोस्टर व बैनर इत्यादि लगाए जाएंगे। नामांकन शुल्क का निर्धारण किया गया है। मुखिया, सरपंच और पंचायत समिति के लिए 1,000, पंच और वार्ड सदस्य के लिए 250-250 और जिला परिषद के लिए ₹2,000। पंचायत चुनाव के दौरान अभ्यर्थी अपने आवास, कार्यालय पर प्रचार वाहन या चुनाव प्रचार करने के लिए पोस्टर, बैनर आदि का उपयोग कर सकते हैं, यानी कि अपने आवास एवं कार्यालय, ठीक है, ध्यान रखा जाएगा। अभ्यर्थी चुनाव प्रचार करने के लिए अपना कार्यालय खोल सकते हैं, लेकिन इसकी सूचना वे निर्वाची पदाधिकारी, दैट इज द रिटर्निंग ऑफिसर, को देंगे कि चुनाव कार्यालय किस स्थान पर खोला गया है। पंचायत चुनाव के दौरान कैंडिडेट्स के लिए गाइडलाइन इस प्रकार है। किसी भी राजनीतिक दल के नाम पर या दल का झंडा से चुनाव प्रचार नहीं करना होगा। शासकीय और अशासकीय परिसदन, विश्राम गृह, डाक बंगला एवं अन्य आवासों का उपयोग चुनाव प्रचार के लिए तथा बैठक के लिए किसी उम्मीदवार के द्वारा नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी भवन पर कोई पोस्टर नहीं चिपकाया जाएगा। उसके बाद नाम निर्देशन पत्र जमा करने का स्थल जो होगा, ग्राम कचहरी सदस्य, ग्राम पंचायत सदस्य, पंचायत समिति, सरपंच व मुखिया प्रखंड कार्यालय में होंगे और जिला परिषद अनुमंडल कार्यालय। ऑनलाइन नामांकन की अनुमति होगी। राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से उपलब्ध प्रारूप 6 पर यह संभव होगी ऑनलाइन, यानी प्रारूप 6 वहां से भर करके उसके बाद फिर वो प्रिंट आउट निकालेंगे और प्रिंट आउट निर्वाचित पदाधिकारी को जो चिन्हित स्थानों पर देंगे ले आके, तो वो आपका हो जाएगा। दैट्स ऑल माय फ्रेंड्स, आपके साथ हमने शेयर की पंचायती राज व्यवस्था एवं पंचायत निर्वाचन अपडेट 2021। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, साथ ही सब्सक्राइब भी, और अधिक जानकारी के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ वॉच करने के लिए धन्यवाद।